सुप्रभात बच्चों, कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। ठीक है, चलो कक्षा 4 विषय हिंदी आगे बढ़ते हैं। आज एक नई कहानी के साथ। ठीक है, हमने लास्ट में एक बाघ की कहानी सुनी थी, अब हम सुनने जा रहे हैं, अब एक पढ़ने जा रहे नई कहानी चूहे की। ठीक है, हमने हाथी भी देखा, हमने बाघ भी देख लिया, फिर हमने अब हम देखने जा रहे चूहे को। ठीक है, चूहा आप सब जानते हो ना, कईयों के तो घर में भी घूमता है चूहा, है ना, और फिर उसको देख के हम कई बार डर जाते हैं, मम्मी उंदेड़ो आवे, मम्मी उंदेड़ो आवे, मम्मी चूहा आया, है ना, ऐसे हम भागते हैं। तो यहाँ पर एक चूहे की कहानी है, जो चूहा बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही चतुर है, क्लेवर ऐसा होशियार चूहा है, जो यहाँ पे किस तरह से उल्लू बनाता है सबको, उसकी बात यहाँ पे कही गई है, उसकी एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने रखी गई है। देखते हैं चतुर चूहा, पाठ 8, चतुर चूहा यानी कि द इंटेलिजेंट रैट, द इंटेलिजेंट रैट यानी कि चतुर होशियार चूहा है। ठीक है, उसके शब्दार्थ की तरफ पहले बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नाप, नाप यानी कि माप जिसको हम कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मेजर कहते हैं, मेजरमेंट, माप ले लीजिए। हम दर्जी के पास जाते हैं तो हम हमारे कपड़ों का हमारा माप देते हैं ना, तो उसको कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है, उसके बाद झटपट यानी कि झटपट, फटाफट, शीघ्र, जल्दी जल्दी, है ना, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंट, फटाफट। उसके बाद हम देखते हैं कशीदा, कशीदा यानी कि कढ़ाई, कशीदा किसको कहते हैं, ये नया शब्द है आपके लिए, जिसको हम कढ़ाई कहते हैं, आप देखते हो यहाँ पे ये कशीदा है, इसको कशीदा यानी कि कढ़ाई कहते हैं, धागे से, सुई और धागे से कढ़ाई की जाती है, जिसको हम इंग्लिश में एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क। ठीक है, कई कपड़ों पे आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क दिखता है, उसके ड्रेसेस मिलते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क के, तो यहाँ पे कढ़ाई यानी के कशीदा यानी कि कढ़ाई। ठीक है, उसके बाद फुर्सत, फुर्सत यानी कि अवकाश का समय, अवकाश यानी कि फ्री टाइम, स्पेयर टाइम। ठीक है, स्पेयर टाइम, जो टाइम पे आप फ्री होते हो उसको फुर्सत का समय कहते हैं, उसे अवकाश भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कचहरी, कचहरी यानी कि अदालत, पुलिस की अदालत होती है ना, जहाँ पे पुलिस बैठते हैं, वकील लोग बैठते हैं, उसको हम ऑफिस भी कहते हैं। ठीक है, कचहरी यानी कि अदालत, ऑफिस। फिर आता है सिपाही, सिपाही यानी कि सैनिक, सैनिक, सिपाही यानी के सैनिक, द सोल्जर, द सोल्जर। फिर उसके बाद कैंची, कैंची, कैंची के लिए हिंदी शब्द भी कैंची है, और उसको गुजराती में हम कहते हैं कातर, कातर, जिसे कपड़ा काटा जाता है, जिसे पेज काटे जाते हैं। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में सीजर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सीजर्स कहते हैं। उसके बाद कशीदाकार, कशीदाकार, यहाँ पे हमने देखा कशीदा, कशीदा यानी कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी, और कशीदाकार यानी कि सुई धागे से कपड़े पर बेल बूटा बनाने वाला, सुई धागे से, सुई धागा होता है बराबर, और वो सुई धागे से कपड़े के ऊपर कोई भी कपड़ा होता है, क्लोथ होता है, एक प्लेन कपड़ा होता है या तो डिज़ाइन वाला कपड़ा होता है, उसके ऊपर बेल बूटा जो भी डिज़ाइन बनी होती है उसको सुई और धागे से उसकी डिज़ाइन बनाता है। अलग अलग कलर के धागे होते हैं, नायलॉन के धागे होते हैं, और उससे क्या बनता है, क्या करते हैं, उससे उससे वो एम्ब्रॉयडरी करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम एम्ब्रॉयडर कहते हैं। ठीक है, वो होता है एम्ब्रॉयडर, जो कशीदा काटता है उसको कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हुए शब्दार्थ, हमने शब्दार्थ देखे। देखो यहाँ पे बच्चों मैंने चूहा बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसा चूहा हमको जनरली पता है चूहा कैसे बनता है, मैं सिंपल आपको थोड़ा सा चूहा बनाना बताऊँ कैसे बनाते हैं, आप भी घर पे ट्राई करना। ऐसे करते हैं, हम ऐसे बोलते थे, एम नामनो माणस, पची 80 रुपया पगार, 4004 सोने 44 रुपया चोराया, पची पोलिस आवी डंडो मार्यो अने भागी गयो अंदर। ऐसे करके हम क्या करते हैं, चूहा बनाते हैं। आप इस तरह से ट्राई करना, बनाने की कोशिश करना। हाँ देखो चूहा लग रहा है ना, ऐसे आप बना सकते हो। देखो यहाँ पे चूहा है,
फिर आ गया ये टोपी है, मैं आपको बताती हूँ हम स्टोरी सुनते हैं तो इसमें कैसे कहा गया है कि एक चूहा था वह रास्ते पर जा रहा था। वह कहाँ जा रहा था? रास्ते सड़क ऊपर चल के जा रहा था। उसे एक कपड़े का एक टुकड़ा मिला। उसे क्या मिलता है? रास्ते में चलते चलते जा रहा था तो उसे कपड़े का टुकड़ा मिला, यानी कि पीस ऑफ क्लोथ, बराबर, कपड़े का एक टुकड़ा मिला। वह उसे लेकर आगे बढ़ा। अब वो उसको लेके अपने दांत के बीच में फंसा के और वो आगे बढ़ गया। उसने एक दर्जे की दुकान देखी। अब वो आगे जाता है, जाते जाते रास्ते में उसको क्या दिखता है? एक दर्जी, दर्जी यानी टेलर, है ना, दर्जी यानी टेलर। आप रास्ते में देखते हो ना कितनी दर्जे की दुकान आती है, टेलर के, जो टेलरिंग का वर्क करता है, काम करता है, कपड़े सिलता है, ड्रेस सिलता है, फ्रॉक सिलता है, स्कर्ट टॉप सिलता है, वो टेलर। तो रास्ते में एक उसको दर्जी की दुकान दिखी। दर्जी के पास जाकर उसने कहा, अब दर्जी के पास गया और दर्जी के पास जाके वो क्या कहता है? देखो नीचे लिखा हुआ चूहा। चूहे ने कहा, दर्जी, रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सी दे। अब उसको टोपी चाहिए थी, ठीक है, तो जो कपड़ा मिला ना तो वो लेके वो किसके पास गया? वो गया दर्जी के पास। अब वो जाके दर्जी को कहता है, दर्जी, रे दर्जी, ऐसे, हाँ, क्योंकि होशियार चूहा था ना, इसलिए थोड़ा इतरा के बोलता है, थोड़ा टणी में आके बोलता है ऐसे, ए दर्जी, इस तरह से, दर्जी, रे दर्जी, इस कपड़े की टोपी सिल दे। दर्जी, ये कौन बोल रहा है? अब इतना छोटा सा चूहा और दर्जी बड़ा सा बैठा हुआ है तो उसको कैसे पता चले कि चूहा इस तरह से बोल सकता है? तो उसको तो दिखा भी नहीं चूहा, तो वो बोलता है कि ये कौन बोल रहा है? तो चूहे ने कहा, मैं चूहा, चूहा बोल रहा हूँ, इसकी एक टोपी सी दे। चूहा कहता है, अरे ओए, मैं चूहा बोल रहा हूँ, चूहा, इसकी टोपी सिल दे मुझे। दर्जी, चल रास्ता नाप, यानी कि अपना रास्ता नाप, रास्ता माप, चले जा वापस, ऐसा उसको कह रहा है, रास्ता नापना यानी कि जहाँ से आया था वहाँ पे वापस चले जा, वरना कैंची उठा कर मारूँगा। दर्जी के पास कैंची होती है ना, दर्जी का हथियार कौन सा होता है? कैंची होती है। तो दर्जी ने क्या बोला? यहाँ से वापस चले जा वरना तो कैंची उठा कर तेरे को जोर से मारूँगा। तो चूहा कहता है, अरे तू मुझे डरा रहा है, तू मुझे डरा रहा है, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। ठीक है, देखो अभी गाना गाता है, उसको चिढ़ा रहा है, उसको डरा रहा है, और क्या कहता है? तू मुझे डरा रहा है, रुक, मैं कचहरी में जाऊंगा, यानी कि देखो अदालत, ऑफिस में मैं जाऊंगा, बड़े बड़े अफसर जहाँ पे बैठते हैं ना वो ऑफिस में मैं जाऊंगा, और सिपाही को बुलाऊंगा, सोल्जर को बुलाऊंगा, सैनिक को बुलाऊंगा मैं, और तुझे खूब पिटवाऊंगा, खूब मार मराऊंगा तेरे को, डंडे से मारेंगे और वो मारेंगे, और मैं क्या करूंगा? मैं तमाशा देखूंगा, मैं तो तमाशा यानी कि जो ड्रामा हो रहा होगा, जो सीन हो रहा होगा, नाटक, वो मैं तो देखूंगा। यह सुनकर दर्जी डर गया। अब दर्जी एकदम से डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि उसको लगा कि सच्ची में अगर जाके बोल देगा तो मेरे को तो मार पड़ जाएगी, मेरे को तो डांट पड़ेगी। और उसने क्या किया? झटपट से, झटपट यानी कि फटक से, जल्दी से, शीघ्र से, इंस्टेंटली, फटक से उसने जाके टोपी को सिल दिया। अब टोपी पहनकर चूहा आगे बढ़ा, टोपी पहनी और चूहा आगे बढ़ा। रास्ते में कशीदाकार की दुकान देखी। अब टोपी तो बन गई, टोपी बन गई, मिल गई। उसने दादागिरी से क्या किया? टेलर को बोला कि फटाक से सिल दे। दर्जी को बोला फटाक से सिल दे, नहीं सिलेगा तो मैं क्या करूँगा? सैनिक को बुला दूंगा, तो तू जल्दी से मेरे को क्या कर? टोपी को सिल दे। तो उसने जो टोपी सिल दी, अब वो टोपी पहन के वापस जाता है दुकान, रास्ते की तरफ। अब चूहा आगे बढ़ा, रास्ते में उसको कशीदाकार की दुकान देखी। अब एम्ब्रॉयडर की उसको दुकान दिखाई दी, कशीदाकार, जो कशीदाकारता है, जेने गुजराती में भरत काम पण कहेवामां आवे छे, बराबर। तो अभी रास्ते में उसको कशीदाकार की दुकान देखी। चूहे को टोपी पर कशीदा करवाने की इच्छा हुई। अब चूहे ने सोचा, चल ये टोपी तो एकदम सिंपल सिंपल सी लग रही है, तो चलो ना उसके ऊपर कोई वर्क कराता हूँ, मैं इसके ऊपर भरत काम कराऊँ, मैं कुछ कशीदा करवाता हूँ, ऐसा वो सोचने लगा। अब उसको कशीदाकार की दुकान देखकर उसको कढ़ाई करवाने की इच्छा हुई, उसको एम्ब्रॉयडरी कराने की इच्छा हुई उसकी टोपी के ऊपर। चूहा कहता है, भाई मेरी टोपी पर थोड़ा कशीदा काट दे। कशीदाकार ने चूहे की ओर देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, चल चल यहाँ फीसे किसे फुर्सत है, बराबर। अब क्या हुआ कि वो गया कशीदाकार के पास,
तो उसने जाके बोलता है, ए भाई मेरे को इस टोपी पर थोड़ा सा कशीदा कर दे। देखो मैंने ये टोपी बनाई है बच्चों, इसके ऊपर कैसे थोड़ा थोड़ा डिजाइन किया हुआ है ना, यानी कि कलरिंग धागे से ऊपर टोप धागे से सुई के द्वारा टोपी के ऊपर कोई भी कपड़े के ऊपर किसी भी तरह का भरत गुथाई की होती है ना, उसको कशीदा कहते हैं। ठीक है, तो ये टोपी मैंने बनाई हुई है, ऐसी टोपी है ना। तो अब क्या कहता है कि मेरी टोपी पर थोड़ा कशीदा काट दे, मेरी टोपी पर थोड़ा कशीदा काट दे। कशीदे काटने क्या किया, चूहे की और यानी कि तरफ, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, और दोनों चीज़ों को है ना, और के ऊपर ओ की मात्रा और दूसरे ओ के ऊपर और की मात्रा, औ की मात्रा है ना। तो और यहाँ पे लिखा है और यानी कि उसकी तरफ, और उसकी तरफ देखा, फिर उसे धमकाया और कहा, धमकाया यानी कि उसको डांटा, गुस्सा किया और उसको कहा, चल चल यहाँ किसे फुर्सत है, फुर्सत यानी अवकाश, स्पेयर टाइम, फ्री टाइम, मैं कौन सा यहाँ पे फ्री बैठा हूँ, जेने आपणे गुजरातीमां नवरो शब्द पण कहता होईए छे, है ना। हूँ नवरो नथी, आपको कोई मम्मी बोले चल काम करने, ना हूँ नवरो नथी, मारे पास बहुत ज काम छे, अब हम ऐसा बोलते हैं ना। इसी तरह से उसने, कशीदाकार ने भी उसी तरह से कहा। चूहा कहता है, अच्छा तो तू भी मुझे भगा रहा है, लेकिन सुन, अच्छा तो तूने भी मुझे डराया है ना, तूने भी यानी पहले किसने डराया, पहले यस पहले उसको दर्जी ने डराया, अब उसको कशीदाकार ने डराया। तो उसको बोलता है, अच्छा तो तू भी मुझे तभी डराने लगा, सुन सुन मैं तेरे को कुछ बताता हूँ, कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और तमाशा देखूंगा। ऐसा कहता है उसको, फिर से ये धमकाने लगा। अब तो अब उसने चालाकी करी और बोलता, अच्छा अच्छा तो ऐसा कर देना, सुन मेरी बात, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कचहरी में जाऊंगा, अदालत में जाऊंगा, ऑफिस में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, सैनिक को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा, खूब मारेंगे तेरे को, डंडे से मार मार खिलाऊंगा, और फिर मैं बैठ के तमाशा देखूंगा, तेरा ड्रामा देखूंगा, जो तेरे को मारते होंगे ना वो मैं तमाशा देखूंगा। यह सुनकर कशीदाकार तो घबरा गया, यह सुनकर कशीदाकार क्या किया, घबरा गया, डर गया वो तो, ओहो मेरे को भी मार पड़ेगी, मेरे को डांट पड़ जाएगी। उसने चूहे को कचहरी में जाने से रोका, मत जा मत जा मत जा, तू मत जा, मैं तेरा तेरा काम कर देता हूँ, पर तू कचहरी में मत जा। उसने तो उससे टोपी लेकर उस पर अच्छा कशीदा कर दिया। अब उसने क्या किया, उससे टोपी ले ली और उसकी टोपी के ऊपर खूब सुंदर सा अच्छा सा कशीदा काट दिया। चूहा तो खुश हो गया, चूहे को, चूहा क्यों खुश हो गया, क्योंकि चूहे को जो चाहिए था वैसा मिल गया। एक तो सिंपल टोपी, पहले तो एक कपड़ा, कपड़े से उसने टोपी बनवाई, टोपी से जो सिंपल टोपी थी उसके ऊपर उसने क्या किया, कशीदा करवाया। किस तरह से करवाया, अपनी चालाकी से, अपने इंटेलिजेंट दिमाग से, है ना। उसने बोला कि ऐसे तो वो कैसे बुला सकता है किसी को, लेकिन उसने ऐसा डरा दिया, और डरा के उसने दर्जी को भी डराया, और साथ साथ में कशीदाकार को भी डरा दिया, और कहा कि अगर तू मेरे लिए काम नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा, मैं कचहरी में जाऊंगा, सिपाही को बुलाऊंगा, तुझे खूब पिटवाऊंगा और फिर मैं तमाशा देखूंगा। इस तरह से उसने कहा, और डर के मारे पहले दर्जी ने टोपी सिल दी, और उसके बाद कशीदाकार ने उसकी टोपी पर सुंदर से कशीदा कर दिया। तो बच्चों कैसा लगा ये, कैसे लगी कहानी, अच्छी थी ना। हमने देखी चालाक चूहे की कहानी, जिसने चालाकी से अपना सारा काम करवा लिया। आपको आशा रखती हूँ कि आपको कहानी सुनने में अच्छी लगी होगी, खुद से भी पढ़ना समझना। धन्यवाद।